साथ परमपिता परमात्मा का पवित्र नाम, उसका निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करते हैं। फिर उसके बाद योग विज्ञान के मर्म को समझने वाले योग विज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक, जिन्होंने योग को सूत्रबद्ध किया, जिन्होंने योग की जो परंपरा परमात्मा हिरण्यगर्भ से होकर प्रवाहित हो रही थी, उस परंपरा को व्यवस्थित करने का कार्य किया, योग ज्ञान को पूरी वैज्ञानिकता के साथ हम सब के सम्मुख रखने का महान कार्य किया। योग के बहुत गहरे रहस्यों को मात्र 195 सूत्रों में समाहित करने का, गागर में सागर भरने का एक अद्भुत काम किया। ऐसे महान ऋषि योगर्षि महर्षि पतंजलि को हम सब नमन करेंगे और आज की योग कथा का प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास के साथ साथ प्रारंभ करेंगे मंत्रोच्चारण। योगे न चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग कथा के 52वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय जनों को, आप सभी योग प्रेमियों को, आप सभी कथा प्रेमियों को दिल की गहराइयों से भाव भरा नमन वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन। महर्षि पतंजलि विरचित योग सूत्र के अंदर वे संपूर्ण प्रक्रियाएं समाहित है जिनका आलम लेकर, जिनका सहारा लेकर हम योग पथ पर चलते हुए समाधि पर आरूढ़ हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि केवल सिद्धांत ही नहीं देते, वे प्रायोगिक पक्ष का भी अत्यंत कुशलता के साथ, अत्यंत प्रामाणिकता के साथ, पूर्णतः सैद्धांतिक पक्षों में एक रूपता के साथ सूत्रबद्ध करते हैं। उन्होंने जीवन में दुख का जो मूल कारण है उसको भी वेद उपनिषद दर्शन आदि ग्रंथों के सहारे ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा
कि सभी दुखों का मूल कारण जन्म है। दुखमेव सर्वम विवेकिनः, वही मूल कारण है। और उसका जो मूल कारण है क्लेश है। क्लेश उन्होंने पांच बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उन पांच क्लेशों का भी जो मूल है वह अविद्या है। इतनी बड़ी खोज करने में सक्षम उस ऋषि की मेधा, उस ऋषि की बुद्धि कितनी पैनी रही होगी। मित्रों, वे बस इस खोज के साथ रुक नहीं जाते, वे इसका समाधान का उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं कि क्लेश मूल है किसका? जाति, आयु और भोग का। क्लेश मूल है और उस क्लेश में भी सबसे मूल उन्होंने अविद्या को कहा। और वे कहते हैं कि अविद्या को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। वैसे अविद्या को पूरी तरह से नष्ट करने की जो विधि है, जो पद्धति है, वह अष्टांग योग ही है। लेकिन अलग अलग व्यक्ति की योग यात्रा, अलग अलग जीवन से प्रारंभ हुई होती है। याद रखिए इस बात को, योग यात्रा का प्रारंभ किसी के इस जीवन से हो जाता है, तो किसी का जो प्रारंभ पिछले कई जन्मों से हो चुका हो सकता है, किसी के पिछले जन्म से, किसी के उसके भी पिछले जन्म से, और किसी के उससे भी और पिछले जन्म से। पता नहीं किसकी योग यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, लेकिन जहां से भी हुई हो वो मनुष्य योनि से ही हुई होगी। क्योंकि आप हम सभी जानते हैं, कोई बंदर बैठ करके ध्यान नहीं कर सकता। आप हम सभी जानते हैं, कोई बकरा बैठ करके ध्यान नहीं लगा सकता, कोई बैल बैठ करके ध्यान नहीं लगा सकता। मनुष्य ही लगाता है, मनुष्य ही चिंतन करता है, स्मरण करता है, मनुष्य ही प्रभु का सुमिरन करता है, मनुष्य ही स्वाध्याय करता है, आदि आदि। तो हमारी यात्रा इस जन्म से प्रारंभ भी हो सकती है और पिछले कई जन्मों से चलती आ रही भी हो सकती है। लेकिन जिस बिंदु से भी योग की यात्रा का प्रारंभ हुआ हो, उस बिंदु से हमें अष्टांग योग का पालन प्रारंभ करना होता है। ऋषि कहते हैं अष्टांग योग ये प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन किसी किसी की यात्रा काफी आगे बढ़ चुकी होती है। कैसे पता चलेगा? आप लोगों ने योग कथा के पिछले कई एपिसोड में इस बात को सुन लिया, समझ भी लिया। सांकेतिक रूप में बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के अंदर निरंतर परमात्मा का चिंतन चलता रहता हो, जिस व्यक्ति को कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझने में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होती हो, वह समझ जाता हो आसानी से, उसकी बुद्धि में बहुत गहरी बात भी आसानी से प्रवेश कर जाती हो, ईश्वर का नाम सुनते ही, उसके निज नाम ओम का उच्चारण प्रारंभ करते ही उसके रोम रोम रोमांचित होने लग जाते हो, उसके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती हो, समझना चाहिए कि उसकी योग यात्रा पीछे के जन्म से प्रारंभ हो चुकी है। अब उस व्यक्ति को योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ऋषि पतंजलि नहीं कहते कि अब फिर तुम अष्टांग योग से प्रारंभ करो, वे और स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ जाते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप
का मन पूरी तरह से ईश्वर में रमने लग गया हो, आपके मन में ईश्वर के प्रति किंचित मात्र भी कोई संशय न उत्पन्न होता हो। कई लोग होते हैं कैसे कैसे तर्क करके बैठते हैं, अच्छी बात है तर्क करने चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने कहा है निरुक्त कार्यास तो यहां तक कहते हैं तर्क वही ऋषि, जो तर्क है ना वही ऋषि है। हमारे अंदर जो विद्यमान तर्क रूपी शक्ति है उसी का नाम ऋषि है। तर्क तो चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं तर्क तथ्य और प्रमाण के बिना किसी बात को भी स्वीकार नहीं करना है। लेकिन कई बार लोग ऐसे ऐसे तर्क करके बैठते हैं जिसे संभवतः कुतर्क की श्रेणी में रखना पड़ता होगा। कई लोग कहते हैं कि देखो ईश्वर ईश्वर कुछ भी नहीं होता, जो भी मिलना है कर्म का फल मिलना है। अरे भाई, चोर को दंड देने के लिए एक व्यवस्था तो होती है ना, पुलिस होती है, राजा होता है, राज्य व्यवस्था होती है। ऐसे ही कर्म के अनुसार सब कुछ फल तो मिलेगा, लेकिन फल देने वाला भी तो कोई होगा, या खुद ही कोई कोई व्यक्ति चोर भी बनेगा और खुद ही फिर दंड भी भुगतेगा, ऐसा तो नहीं होता। इतनी इतनी मोटी बात तो हर किसी को समझ में आनी चाहिए। इसलिए ईश्वर के ऊपर संशय जनरली जो 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 मोटी मोटी बातें में जिसको समझ में ना आती है उनमें उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जिसको गहराई से बात समझ में आ चुकी हो तो उसको तो ईश्वर के प्रति किंचित मात्र भी एक पल के लिए भी कोई संशय नहीं होता। वह निरंतर उस प्रभु के स्मरण में मस्त रहेगा। वह कर्म तो प्रत्येक प्रकार के कर्म में लगा रहेगा, लेकिन हर एक कर्म वह ईश्वर साक्षी में करता रहेगा। वह ईश्वर को भूल कर नहीं, ईश्वर में खो कर कर्म करता रहेगा। सांसारिक पदार्थों में जैसे ही हम खो जाते हैं तो हमारे कार्य की जो दक्षता है और कार्य की जो क्षमता है उसमें न्यूनता आ जाती है। लेकिन जैसे ही प्रभु में खोकर कार्य में रम जाते हैं, कार्य में डूब जाते हैं, कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है, कार्य की क्षमता और कार्य की दक्षता बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता और कार्य दक्षता में वृद्धि हो जाती है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जिसके अंदर किंचित मात्र में प्रभु के प्रति कोई संदेह ना हो उसके लिए वे योग सूत्र के प्रथम पाद में कह देते हैं कि वो बस ईश्वर प्रणिधान की साधना करे, दैट्स ऑल, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मात्र ईश्वर प्रणिधान की साधना से उसके अंदर के जो क्लेश है वे दग्ध बीजावस्था को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति ईश्वर को मानेगा तो ईश्वर की भी मानेगा। क्या कहा मैंने? जब व्यक्ति ईश्वर को मानेगा तो ईश्वर की भी मानेगा, ईश्वर की बातों को भी मानेगा, ईश्वर की आज्ञा का भी पालन करेगा। ईश्वर की आज्ञा क्या है? कि तुम अपना कल्याण करो, अप दीपो भव, अपना दीपक बनो, अपने अंदर की आत्मशक्ति को जागृत करो। कैसे? प्रबल पुरुषार्थ से आत्मशक्ति को जागृत करो, बाह्य जीवन में भी भौतिक समृद्धि को उतरने दो, भौतिक समृद्धि को लाओ ने, भौतिक समृद्धि को उतरने दो, उभरने दो, और आंतरिक जगत में भी सदा पूर्ण अनुभव करो, सदा ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करो, सदा ईश्वर के साथ का अनुभव करो। अभ्युदय और निश्रेय से दो ही चीज है, यही सभी ऋषि कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब आप के अंदर पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण जग चुका है, आपका अस्तित्व पूरी तरह से
उसमें विलीन हो चुका है, बस आपने समर्पित कर दिया उसको, यानी कि अब आप उसके आज्ञा के विरुद्ध एक पग भी नहीं चलते। जैसे उसकी आज्ञा है, बस उस आज्ञा के अनुसार ही आप चल चुके हो, चलते हो। आपके एक एक एक्टिविटीज बस उसके न्याय व्यवस्था के अनुसार ही चल रही होती है। तो उस अवस्था में वे ये करो वो करो आदि इत्यादि बातें नहीं कहते। वे कहते कि बहुत अच्छी बात है, आप बस ईश्वर के प्रति अपने भाव को और अधिक मजबूत बनाते जाओ, उसके भजन में और रमते जाओ और खोते जाओ उस प्रभु के ही भजन में। आपको बहुत कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उस न्यारे वो प्यारे प्रभु को याद करते रहना। बस आप यही गाते रहना, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। न समझूं मैं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। प्रभु बस मैं तेरे इशारे में ही चलता रहूं, मुझे दुनिया के कोई भी इशारे आकर्षित न कर सके। मेरी लगन बस तुझ में हो, लगन का यदि दीपक बुझाए न कोई। क्या कह रहे हैं? लगन का यदि दीपक बुझाए न कोई, तेरे रास्ते से हटाए न कोई। तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे प्यारे गीतों को गाता रहूं मैं। क्या कह रहा है? तेरे प्यारे गीतों को, दुनिया के गीत को क्यों गाऊं, बस तेरे गीत को गाऊंगा। तेरे प्यारे गीतों को गाता रहूं मैं, तेरी चर्चा घर घर सुनाता रहूं मैं। बस तेरे ओम नाम का ही मैं प्रचार करता रहूं, ओम ओम ओम। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बस उसके अंदर से, साधक के अंदर से एक पुकार निरंतर उठता रहता है। और ऋषि पतंजलि कह रहे हैं कि हम बस वही उड़ते रहना चाहिए, बस उसके ही सुमिरन में हमें खोते रहना है, उसके ही याद में उस व्यक्ति को खोते रहना है जिसके अंदर ईश्वर के प्रति अपार
श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो, श्रद्धा सत्य को धारण करने की बुद्धि उत्पन्न हो गई हो, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का निरंतर सेवन करता हो, बस उसकी सेवा में निरंतर लगा रहता हो, उसके अंदर से यही भाव उत्पन्न होना चाहिए कि प्रभु मैं बारंबार तेरी ही स्तुति करता रहूं, तेरा ध्यान करता रहूं, प्रभु मैं जीवन भर तेरा ही स्मरण करता रहूं, मेरा जीवन ऐसा हो कि पल भर भी तुझे भूलने न पाऊं, तेरी सेवा करते करते तेरे ध्यान में लगे लगे मेरा यह जीवन बीत जाए, मैं तेरे नाम को हृदय में बसाकर आठों प्रहर तेरा ही गुणगान करता रहूं, तेरे नाम का स्मरण करना ही मेरा वास्तविक धन हो भगवान, सांसारिक तृष्णाएं मेरे मन में उत्पन्न ना हो, तेरे ध्यान में इतना मस्त हो जाऊं कि संसार की चिंताओं से बेपरवाह हो जाऊं, संसार की किसी वस्तु की कोई लालसा मुझे ना रहे, बस मैं तेरा ही चिंतन करता रहूं, तेरा ही ध्यान करता रहूं, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करो कि इस संसार में रहते हुए भी मैं इस संसार से निर्लिप्त रहूं, ठीक वैसे ही जैसे कमल जल में रह करके भी उसे निर्लिप्त रहता है, ऐसा तूने तेरी खुली पुस्तक से मुझे बोध कराया है, तुझे छोड़कर किसी दूसरे को आश्रित न रहो, तेरे ही चरणों में मेरा मन लगा रहे, तेरे चरणों में आकर तेरा सुमिरन करते हुए तेरे ध्यान में मैं इतना खो जाऊं कि बस तू ही तू रहे और दूसरा कोई न रहे, प्रभु मेरे जीवन को ऐसा बना देना, बस पूर्ण समर्पण हो प्रभु, पूर्ण समर्पण, लेस मात्र भी अहम भाव ना हो, बस इस भाव को प्रबल करते रहने के लिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वे कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद, आपको बस ईश्वर के प्रति ही अपने भाव को और गहरा बनाते जाना है, और गहरा बनाते जाना है, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते जीवन मेरा। सेवा का अर्थ कई लोग समझते हैं पूजा पाठ करना, कुछ घंटे हिलाना, शंख फूंकना या कुछ कुछ करना, कहीं जो है चिल्लाते रहना, ऐसा नहीं। सेवा कहते हैं शेवरी सेवन धातु से सेवा शब्द बनता है, अर्थात सेवन करने को सेवा कहते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में भी धारण करने को सेवा कहते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलने को उसकी भक्ति कहते हैं। बस यही बात यहां पर मन में और दृढ़ करने को ऋषि पतंजलि कह रहे हैं, तेरी सेवा करते करते बीते जीवन मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हो, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, याद तेरी को सदा में दिल में बसाऊं, याद तेरी को सदा में दिल में बसाऊं, आठों पहर प्रभु तेरे गीत गाऊं, आठों पहर प्रभु तेरे गीत गाऊं, नाम तेरा ही होवे सच्चा धन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हो, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ख्वाहिशें जगत की ना मुझको सताई, ख्वाहिशें जगत की ना मुझको सताई, चिंताए हर गिजना नजदीक आए, चिंताए हर गिजना नजदीक आए, करता रहूं मैं
प्रभु चिंता ना तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हो, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। जग मेरा हूँ पर जग से आजाद रहूं, जग मेरा हूँ पर जग से आजाद रहूं, तेरे चरण बिना और किसका मोहताज न रहूं, तेरे बिना और किसका मोहताज न रहूं, तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हो, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी में हम ऐसे खो जाएं, याद तेरी में हम ऐसे खो जाएं, मैं न रहूं बस तू ही तू रह जाए, मैं न रहूं बस तू ही तू रह जाए, सफल हो जाए यह नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हो, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते जीवन मेरा, तेरी पूजा करते करते बीते जीवन मेरा। पूजा कहते हैं यह भी पुनः ईश्वर की आज्ञा को पालन करने को ही पूजा कहते हैं। ईश्वर के आज्ञानुसार अपने जीवन को चलाना, ईश्वर को याद करते हुए प्रत्येक कर्म में खो जाना, वही उसकी पूजा है। तेरी पूजा करते करते बीते जीवन मेरा, तेरी पूजा करते करते बीते जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हो, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तो ऋषि पतंजलि कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर ईश्वर के प्रति तीव्र लगन है, ईश्वर के प्रति कोई भी संदेह नहीं है, तो आपको उस भाव को और मजबूत करते जाना है, और मजबूत करते जाना है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को हमें पहले जानना है। और योग कथा के श्रोता को ईश्वर के सत्य स्वरूप का शाब्दिक ज्ञान वेद उपनिषद दर्शन आदि ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर हो चुका है। और जैसा ईश्वर का स्वरूप आप लोगों ने समझा है, उस ईश्वर के भाव में और खोते जाना, और खोते जाना, बस यही करने का निर्देश ऋषिवर दे रहे हैं ईश्वर प्रणिधान द्वारा। और वे कहते हैं कि यदि मान लो, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान से वैसे तो उन्होंने कह दिया समाधि सिद्धि ऋषिवर प्रणिधान, इससे भी समाधि की सिद्धि होगी, लेकिन वे कहते हैं कि यदि अभी आपके मन में थोड़ा बहुत संशय है, आप ईश्वर को कभी तो मानते हो कभी नहीं मानते हो, कभी कभी तो लगता है कि हाँ ईश्वर होता है और कभी कभी लगता है कि ईश्वर नहीं होता, कभी तो आपको लगता है कि इस जगत का निर्माता ईश्वर ही है, और कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, और जगत कैसे उत्पन्न हुआ, ये अपने आप उत्पन्न हुआ है ना, ऐसे ऐसे विचार जब कभी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि समाज में बहुत तरह की विचारधाराएं हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, भ्रांत बना देते हैं, और भ्रमों और भ्रांतियों के तूफान में कई बार हम लोग बह जाते हैं और कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे साधकों के लिए ऋषि पतंजलि कहते हैं
कि आपको मात्र ईश्वर प्रणिधान से काम नहीं चलेगा, आपको और दो चीजों का भी अभ्यास करना है, तप और स्वाध्याय। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीन चीजों का अभ्यास करना है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि जो एकदम प्रारंभिक साधक है, जिनको योग के विषय में कुछ पता ही नहीं, जिसके अंदर मतलब ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगे या कभी श्रद्धा कभी अश्रद्धा की स्थिति जगे, ऐसी स्थिति बनी नहीं जिसको पता ही नहीं क्या ईश्वर है, क्या प्रकृति है, क्या जीवात्मा है, हम क्यों जन्म लिए हैं, हमें क्या करना है। कई लोग बोलते कि नहीं, हमें तो कर्म करते जाना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। भाई परिणाम का भी तो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप किसी ऑफिस में जाकर के काम क्यों करते हो? आपको पता है कि काम करने से आपको यह फल मिल जाएगा, फल की चिंता तो नहीं करते हो, लेकिन पता तो है ना। तो ऐसे ही जब हमें यह पता होता है कि कर्म इसलिए करना है, तभी फिर हम कर्म में डूब सकते हैं, अन्यथा कभी भी नहीं डूब सकते। महर्षि पतंजलि हो या सारे ऋषि हो, कर्म फल या कर्म के परिणाम का चिंतन करने से मना नहीं करते, फलों की चिंता करके बैठने को मना करते हैं। आपको फल ये मिलेगा ऐसा चिंता करके नहीं बैठनी है, लेकिन फलों का चिंतन जरूर करना है, तभी कर्मों में प्रवृत्त होना है। और आप लोग यह भी समझ चुके हैं कि फलों का चिंतन जो व्यक्ति नहीं कर पाता, सम्यक चिंतन, जिसको कर्म के सम्यक परिणाम का ज्ञान नहीं होता, वह व्यक्ति गलत कर्म ही करेगा, वह व्यक्ति क्लेश की ओर ही बढ़ेगा। यह बात आप लोग समझ चुके हैं। तो इसलिए ऋषिवर कह रहे हैं कि आपको यदि थोड़ा सा कुछ संशय है, तो उस अवस्था में आप जो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करो। और यदि आपको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं, आप एकदम ब्लैंक हो, यात्रा अभी प्रारंभ करनी है, तो उस अवस्था में आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, अध्ययन, समाधि सभी का आचरण करना होगा। इस तरह से अलग अलग तीन प्रकार के साधकों के लिए तीन प्रकार की विधियों का ऋषि पतंजलि विधान करते हैं। और जो मध्यम कोटि के साधक है, यानी कि जिसमें कभी ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और कभी नहीं होती है, उनको वो ये कहते हैं कि आप तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान का अभ्यास करो। वो ये कहते हैं ऐसा करने से आपके अंदर के जो क्लेश है वे क्षीणता को प्राप्त होंगे, और धीरे धीरे जब आप प्रसंख्यान ध्यान का अभ्यास करोगे, उसके द्वारा जो है आप भी दग्ध बीजावस्था को प्राप्त होंगे। लेकिन मात्र ईश्वर परिधान करने से काम नहीं चलेगा, ऐसा ऋषि का मानना है। इस बात को पुनः ध्यान में रखिए कि कई बार साधकों के मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तो नियम के अंग है, क्योंकि नियम के अंतर्गत पांच चीजें हैं, आप लोग जानते हैं, सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और मात्र इन तीन चीजों से ही समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि की भावना जग जाती है और क्लेश क्षीणता को प्राप्त होते हैं, तो फिर ये अष्टांग योग की क्या आवश्यकता। तो यहाँ पर आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह जो विधान है मध्यम कोटि के साधकों के लिए है। उत्तम कोटि के साधक के लिए मात्र ईश्वर प्रणिधान, मध्यम कोटि के साधक के लिए ईश्वर प्रणिधान के साथ साथ तप और स्वाध्याय भी, और जो प्रारंभिक साधक होंगे उनके लिए अष्टांग योग का आचरण अनिवार्य बताते हैं। तो आप यह समझ गए कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से हमारे अंदर के जो क्लेश है वे कमजोर होते हैं, हमारे अंदर समाधि की भावना जागृत होने लग जाती है और हमारी जो गति है वह, हमारी जो लक्ष्य है असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति, उसकी ओर होने लग जाती है। अब यहां पर एक बात विशेष करके ध्यान में रखनी है कि ऋषि पतंजलि ये तीन शब्दों को एक ही शब्द से पुकारते हैं। वे कहते हैं कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। यदि आप तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करते हो तो वह ही क्रिया योग है।
क्या कह रहे हैं, तप स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। योग सूत्र के द्वितीय पाद साधन पाद कहलाता है, उसका पहला सूत्र है यह। उसमें वे कह रहे हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, अर्थात तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। क्रिया योग अर्थात योग सिद्ध करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं हैं। क्रिया योग कहते हैं योग सिद्ध करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं। इन तीन क्रियाओं के आचरण से हमारा योग सिद्ध हो जाता है। मित्रों, महर्षि पतंजलि बहुत गहरे हैं। जितने जितने आप इनके सूत्र में घुसते जाएंगे, उतने उतने गहराई की ओर चले जाएंगे, उतने उतने उनकी प्रखर मेधा, उनकी सूक्ष्म बुद्धि, उनकी सूक्ष्म दृष्टि का बोध आपको होने लग जाता है। उन्होंने तप शब्द के द्वारा शारीरिक स्तर को भी छोया है, स्वाध्याय के द्वारा मन के स्तर को, विचार के स्तर को भी छोया, और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा उन्होंने भावनात्मक स्तर को भी छोया। यानी कि वे कहते हैं कि यदि आपको योग सिद्ध करना है तो आपको शरीर को भी साधना है, आपको अपने विचारों को भी साधना है, और आपको अपनी भावनात्मक स्तर को भी सही दिशा देनी है। जब ये तीनों दिशा को हम पकड़ेंगे तभी जाकर के जो है क्रिया योग का जो फल है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का जो फल है, उसकी प्राप्ति हो सकती। क्या है इसका फल? वे कहते हैं कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, अर्थात तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी जो क्रिया योग है, इसके द्वारा इसका जो प्रयोजन है वो है कि समाधि भावनार्थ, समाधि के अनुकूल स्थिति बनाने के लिए। किसकी स्थिति? चित्त की स्थिति बनाने के लिए। च अर्थात और क्लेश तनुकरणार्थ, अविद्या आदि क्लेशों को दुर्बल करने के लिए है। यानी कि जैसे ही हम क्रिया योग का आचरण करने लग जाते हैं, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारते हैं, इसे आचरित करते हैं, उस अवस्था में हमारे अंदर समाधि के अनुकूल स्थिति बन जाती है। और दूसरे जो है हमारे अंदर की अविद्या आदि जो क्लेश है वे कमजोर होने लग जाते हैं, तनु होने लग जाते हैं। वे आगे कहते हैं कि तप आदि क्रिया का जो अनुष्ठान ठीक प्रकार से किया जाता है तो यह समाधि को उत्पन्न करता है और अविद्या आदि क्लेशों को दुर्बल करता है। जब क्लेश तनु अर्थात दुर्बल क्षीण हो जाते हैं तो योगी जो है प्रसंख्यान रूपी जो अग्नि है, जिसको महाप्रतिपक्ष भावना भी कहते हैं, उसे को प्रसंख्यान ध्यान भी कहते हैं, तो फिर उसके द्वारा उन्हें दग्धबीज अर्थात जले हुए भुने हुए बीज के समान कर देते हैं, जिससे कि पुनः वे जो क्लेश है कर्माशय के फलीभूत होने के लिए प्रसव भूमि का कार्य नहीं कर पाता। तो जो प्रसंख्यान ध्यान है उसका पूरा वर्णन आपने 51वें एपिसोड में सुना, 50वें एपिसोड में भी आपने सुना कि क्या है प्रसंख्यान ध्यान, कैसे उसको हम कर सकते हैं, क्या है प्रतिपक्ष भावना, महाप्रतिपक्ष भावना, इसको आपने समझ लिया। और महर्षि पतंजलि एक गजब की बात यह है कि इसी को, इसी क्रिया योग को ही स्वल्प प्रतिपक्ष भावना शब्द से भी पुकारते हैं। वैसे महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रयुक्त शब्द नहीं है यह, महर्षि व्यास के द्वारा प्रयुक्त शब्द है, लेकिन महर्षि व्यास उन्हीं बातों को उल्लेख कर रहे होते हैं जो ऋषि के मानसिकता के अनुकूल हो, तो इसलिए हम इसको महर्षि पतंजलि के शब्द भी कह सकते हैं। तो उन्होंने वहां पर योग सूत्र के व्यास भाष्य के अंतर्गत साधन पाद के चौथे सूत्र के भाष्य में
उन्होंने क्रियायोग को स्वल्प प्रतिपक्ष भावना शब्द से पुकारा है। और इसी पाद के यानी कि साधन पाद के ही 34वें सूत्र में जो प्रतिपक्ष भावना शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो उससे हम उसका अर्थ हमें महाप्रतिपक्ष भावना से लगाना होता है। और वे कहते हैं कि जो वितर्क का फल उन्होंने 34वें सूत्र में उन्होंने ये बात भी कही है कि जो हिंसा आदि वितर्क है उसका फल दुख, कैसा दुख, अनंत दुख और अनंत अज्ञान रूपी होते हैं। तो इसीलिए वे क्या कहते हैं कि इस तरह की भावना करते हुए, किस तरह की, कि जो भी हमारे वितर्क है, वितर्क रूप कर्म है हिंसा आदि, तो उनके आचरण से अनंत दुख और अनंत अज्ञान उत्पन्न होते हैं, इस तरह की भावना करना उसको उन्होंने महाप्रतिपक्ष भावना कहा है। उसी को वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना सूत्र के द्वारा अभिव्यक्ति दी है। तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से समझने हैं कि क्रिया योग ही महर्षि पतंजलि प्रोक्त स्वल्प प्रतिपक्ष भावना है, और ऋषि ने मध्यम कोटि के साधकों के लिए ये दो विधि बताई है। स्वल्प प्रतिपक्ष भावना यानी कि क्रिया योग के द्वारा तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आपको अपने अंदर के क्लेशों को दुर्बल करना है, निर्बल करना है, तनु करना है, और इतना करते करते आपके अंदर जो है समाधि की भावना उत्पन्न होने लग जाती है, समाधि के लिए चित्त तैयार हो जाता है, समाधि की स्थिति बनने लग जाती है, उस तरह की एक अनुकूल परिस्थिति बनने लग जाती है आंतरिक स्तर पर, आंतरिक जगत पर। और उस समय वो क्या कहते हैं कि आपको महाप्रतिपक्ष भावना या प्रसंख्यान ध्यान का अभ्यास करना है, निरंतर उसका ध्यान करना है। बस इतना करने से फिर जो तनु हुए क्लेश है वो पूरी तरह से दग्ध विजावस्था को प्राप्त होते हैं। मित्रों, यहाँ पर समझने योग्य विशेष बात यह है कि जो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन आध्यात्मिक जीवन शैली है। इसको नोट कर लीजिए कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यह आध्यात्मिक जीवन शैली का नाम है। आध्यात्मिक जीवन शैली, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, योगिक लाइफ स्टाइल है। वे कहते हैं कि जो निरंतर हम अभी भौतिक पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं, उस दौड़ को वापस लौटाना है, उसको एक हिसाब से उसको शीर्षासन करा देना है, उल्टे हुए को उलट कर सीधा कर देना है, उसका नाम तप है। यानी कि अभी हम जिस तरह के जीवन शैली जी रहे हैं उस जीवन शैली से लौट आना। कैसी जीवन शैली? जिस जीवन शैली का उद्देश्य ईश्वर प्रणिधान हो, जिस जीवन शैली में स्वाध्याय भी समाविष्ट रहता हो, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान से युक्त जीवन शैली को अपनाना, उसका नाम तप है। और तप आध्यात्मिक जीवन शैली का प्रारंभिक बिंदु है। तप उसी का नाम है वस्तुतः जिसमें चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान कुछ नहीं छोड़ते, उसका नाम तप है। तप केवल उस स्थिति का नाम नहीं है जहां पर एक हाथ को खड़े करके बैठे रहे वर्षों 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 तक, या एक पैर को खड़े करके बैठे रहे, एक पैर को उठा करके बैठे रहे, भूखे बैठे रहे, खूब सारे दंड बैठक मारते रह गए, ढेर सारा दौड़ लगाना, ये करना वो करना, बस उसका नाम तप नहीं है। वैसे तो तपो द्वंद सहनम कहा गया है, द्वंद्व को सहन करने को तप कहते हैं, लेकिन द्वंद्व का अर्थ क्या है? जय पराजय, लाभ हानि आदि आदि, सुख दुख, सर्दी गर्मी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो उसको सहजता से स्वीकार करना, इसको तप कह देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखने है कि ये सारी चीजें तो पेड़ पौधे भी कर रहे हैं, क्या वे तप कर रहे हैं? नहीं,
या एक जो मजदूर है वह भी कर रहा है। एक भोगी व्यक्ति, एक विषयानुरागी व्यक्ति, एक विषयासक्त व्यक्ति भी ये सारी चीजें कर रहा होता है, तो क्या उसका नाम तप है? नहीं, उसका नाम तप नहीं। तप तप कहलाएगा जब उसका उद्देश्य समाधि की प्राप्ति हो, जब उसका उद्देश्य ईश्वर प्रणिधान तक पहुंचना हो। तब तब कहलाएगा जब आप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की ओर बढ़ रहे हो। ये तीनों आध्यात्मिक जीवन शैली के, योगिक लाइफ स्टाइल के तीन पार्ट है, जिसके द्वारा, तप के द्वारा आपने अपने शरीर को भी पूरी तरह से अपने वश में रख लिया। तप के द्वारा आपने अपने एक एक शारीरिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और स्वाध्याय के द्वारा आपने अपने विचारों को एक सही दिशा दे दी, विचार क्रांति घटित हो जाती हो, सद्विचारों का प्रवाह आपके अंदर निरंतर बहने लग जाता हो, और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा निरंतर प्रभु के प्रति भाव बना रहता हो, अविरल उसके प्रति प्रेम बना रहता हो, बस उसी जीवन को योगिक जीवन शैली कहेंगे। आप सुबह शाम एक के घंटे या दो घंटे तीन घंटे क्या करते हो उसके आधार पर आपकी जीवन शैली योगिक है या नहीं, ये नहीं कह सकते। लेकिन 24 घंटे आप किस तरह के भाव में जी रहे हो, 24 घंटे क्या आप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान युक्त तप कर रहे हो, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका जीवन, आपकी जीवन शैली आध्यात्मिक है या अनाध्यात्मिक है। तो मित्रों, तप तब कहलाएगा, तप का अर्थ आप ले सकते हैं द्वंद्व को सहन करना, लेकिन किसके लिए द्वंद्व सहन करना? स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की ओर बढ़ने के लिए, उन्हें अपने जीवन में स्थान देने के लिए। यदि आपका लक्ष्य समाधि हो, समाधि में इसलिए कह रहा हूं कि समाधि दहलीज है, इसको पार करके ही फिर हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो यदि आपका उद्देश्य मुक्ति है और मुक्ति तक पहुंचने के लिए, साक्षात्कार होते हुए मुक्ति तक पहुंचने के लिए, समाधि होते हुए मुक्ति तक पहुंचने के लिए आप प्रत्येक प्रकार के, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे किसी भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति हो रही हो या नहीं हो रही हो, लोक में निंदा हो रही हो या आपकी प्रशंसा हो रही हो, दारुण कष्ट झेलना पड़ रहा हो या फूलों का हार पहनने को मिल रहा हो, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, चरैवेति आपके जीवन में घटित हो चुका हो, बस उस स्थिति का नाम तप है। तप के द्वारा हमारा जो भौतिक जीवन है वह व्यवस्थित हो जाता है। तप जैसे जीवन में सदने लग जाता है, वैसे ही हमारे अंदर अब भौतिक आकांक्षाएं नहीं रहती। तप जैसे सदने लग जाता है, वैसे ही स्वाध्याय और ईश्वर से प्रीति होने लग जाती है। वे लोग तपस्वी नहीं है जिसके अंदर, जिसके जीवन में स्वाध्याय की प्रवृत्ति ना हो। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय कहते हैं अच्छे विचारों के संग रहने को। स्वाध्याय कहते हैं निरंतर ओम का जप, अर्थपूर्वक ओम का जप करने को और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करने को। महर्षि व्यास योग सूत्र के साधन पाद के प्रथम सूत्र में कहते हैं, स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। अर्थात ओम का, इसी के साथ आप गायत्री आदि मंत्रों को भी ले सकते हैं, इनका अर्थपूर्वक जप करना
एवं वेद और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर रचे गए वैदिक आदि शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय होता है। और स्वाध्याय से हमें क्या लाभ मिलता है? स्वाध्याय से हमें अन्य ऋषियों के अनुभव तथा उनके द्वारा बताए ईश्वर प्राप्ति के उपायों का ज्ञान हो जाता है। इसी बात को महर्षि व्यास समाधिपाद के 28वें सूत्र में एक और श्लोक के द्वारा भी कहते हैं। संभवतः उस समय यह श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध था। कहाँ का था ये तो पता नहीं, लेकिन यह प्रसिद्ध श्लोक था। वे कहते हैं, स्वाध्यायात योगमासित योगात स्वाध्यायमासते स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। अर्थात ओम के जप और वेदादि सत्य शास्त्रों के अध्ययन से स्वाध्यायात योगम, योग योग कहते हैं समाधि को, योग समाधि, समाधि कहते साक्षात्कार को, ये तो आप लोग जानते हैं। समाधि का आसीत अर्थात सेवन संपादन करें और योगात योग अर्थात समाधि के संपादन से स्वाध्यायम ओम और वेद के परम तात्पर्य का आसते अभ्यास विचार करें, क्योंकि ओम और वेद के मंत्रों का अर्थ हमें तभी प्रकाशित होते हैं। ये सारे मंत्र के ऊपर जो घूंघट है उसको वह ईश्वर तभी उतार देता है जब हम साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जैसे साक्षात्कार होगा वैसे हमें लगेगा अरे ये तो सारे जैसा ईश्वर जो भी कह रहा है सत्य कह रहा है, तभी हमें पता चलेगा ईश्वर के सत्य स्वरूप का, तभी ज्ञान होगा, तभी हमारे अंदर वह विवेक उत्पन्न होगा। विवेक विचार पृथक भावे, प्रत्येक चीज को पृथक पृथक करने की शक्ति, यानी कि ये चीजें भौतिक है ये अभौतिक है, उसको प्राप्त करने की शक्ति तभी जगेगी जब योग घटित होगा। योग कहते हैं समाधि को, जब समाधि की प्राप्ति होगी साक्षात्कार घटित होगा। तो इसलिए ऋषि क्या कह रहा है, स्वाध्याय योग संपत्त्या, इस स्वाध्याय और योग दोनों की संपत्ति से, इन दोनों के सामर्थ्य से परमात्मा प्रकाशते इति, परमात्मा का प्रकाश अर्थात ज्ञान हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति आकर के सामने बैठ जाएगा, आप लोग जानते हैं इस बात को, ईश्वर की प्राप्ति का मतलब ईश्वर का ज्ञान हो जाना है ना, ईश्वर का बोध हो जाना, वह स्थिति जग जाती है। तो स्वाध्याय के लिए निरंतर चाहे कैसे भी स्थिति क्यों ना हो उसको सहन करना, लेकिन केवल स्वाध्याय नहीं ईश्वर प्रणिधान को भी हमें अपनाना है। ईश्वर प्रणिधान के लिए भी हमारा तप समर्पित होना चाहिए। वस्तुतः तप का उद्देश्य ही ईश्वर प्रणिधान है, और तप कहते ही फिर स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान दोनों ही इसमें समाविष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि तप तभी तप कहलाएगा जब उसमें स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति निष्ठा हो। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को, ईश्वर के प्रति समर्पण को, ईश्वर के प्रति अनुराग को और प्रबल करने के लिए जो किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, वह सब कुछ तप के श्रेणी में आ जाता है। जो भी आप यदि इस शरीर को भी मजबूत रखने के लिए प्रयास कर रहे हो, क्यों, आपको स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करना है, आपको निरंतर स्वाध्याय में रमना है, निरंतर ईश्वर का भजन गाना है, इस उद्देश्य से आप वो कार्य भी कर रहे हो, तब वह भी सही है, वह भी तप की श्रेणी में आता है। लेकिन जहां पर स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति, ये दोनों चीज छूट जाते हैं, वह फिर तप नहीं कहलाएगा। तो मित्रों, आपने तप को भी समझा, स्वाध्याय को भी समझा। तप के द्वारा हम शारीरिक स्थिति से लेकर के शरीर के एक एक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, बल्कि तप के द्वारा ही हम अपने भावनात्मक स्तर को भी मजबूत करते हैं। लेकिन यदि इसको हम अलग अलग तरीके से कहेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि तप के द्वारा हम स्थूल जगत पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, यानी कि आध्यात्मिक जीवन शैली
का प्रारंभ होता है स्थूल शरीर से, स्थूल जगत से। स्थूल शरीर में जो जो कुछ भी काम होता है उसे क्या कहेंगे? तप। और सूक्ष्म शरीर में जो कुछ भी काम होता है उसको क्या कहेंगे? स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा कारण शरीर के ऊपर काम हो रहा है। या इसको इस तरह से भी कहिए कि जीवन के जो तीन आयाम है, स्थूल, वैचारिक और भावनात्मक, ये तीनों आयामों को जिसके द्वारा पूरी तरह से प्रभावित किया जाता है, जिसके द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जाता है, उसका नाम क्रिया योग है। उसी का नाम स्वल्प प्रतिपक्ष भावना है। और जैसे ही हमारे स्थूल के ऊपर भी पूरी तरह से नियंत्रण होता है और विचार और भावना के ऊपर भी पूरी तरह से नियंत्रण होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं तब के द्वारा हम शारीरिक दोषों को, शारीरिक अशुद्धियों को, शारीरिक मलों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। स्वाध्याय के द्वारा वैचारिक मलों को खत्म कर देते हैं, विचार क्रांति घटित होती है। और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा जो भावनात्मक असंतुलन है, भावनात्मक जो विकृतियां हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, उस सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। और ये तीनों प्रकार की जो अशुद्धियां है, इन तीनों प्रकार के मल जो है, उनसे जैसे ही हम रहित होते हैं तो समाधि का उदय हो जाता है, साक्षात्कार होने लग जाता है। हमारे दृष्टि के ऊपर छाई हुई जो पर्दा है वह हटने लग जाता है। उस अवस्था में क्लेश भी पूरी तरह से कम होने लग जाता है। यानी कि तप, स्वाध्याय और ध्यान जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे, जैसे जैसे क्रियाएं प्रबल होगा, वैसे वैसे क्लेश जो है कमजोर पड़ेंगे, और जैसे जैसे क्लेश कमजोर होंगे वैसे वैसे समाधि प्रकाशित होने लग जाती है। यह बहुत गहरा विज्ञान महर्षि पतंजलि देते हैं। और उनका पूरा का पूरा जो ध्येय है वह ईश्वर प्रणिधानी प्रतीत होता है, क्योंकि अष्टांग योग से भी अंततोगत्व कहां पहुंच रहे? असंप्रज्ञा समाधि में, बस ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में। इधर जो है ईश्वर प्रणिधान, ये तो सीधा सीधा ही ईश्वर के प्रति समर्पण ही है। और क्रिया योग का भी जो अंतिम उद्देश्य है वह ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल हो, ईश्वर को प्राप्त करना ही ईश्वर की आज्ञा है। अतः प्रत्येक कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए हो, भौतिक फलों की प्राप्ति के लिए ना हो, उसे कहेंगे ईश्वर प्रणिधान। यदि भूल से भी कभी भौतिक फल की कामना से युक्त कर्म हो भी जाए तो भी उसे प्राप्त फल का त्याग कर देना चाहिए। कभी हो जाता है ऐसा जीवन में, उसको तुरंत ही त्याग देना है, तुरंत ही उसको और किसी कार्य के लिए लगा देना, ऐसा ऋषियों का आदेश है, जिससे कि वह कर्म सुरक्षित रहेगा तथा कालांतर में ईश्वर उसका फल मुक्ति के साधनों के रूप में हमें दे देगा। साथ ही जो कर्म हम पीछे अविद्या युक्त होकर कर चुके हैं उनका ईश्वरीय व्यवस्था से जो भी फल मिले उसमें संतुष्ट रहे, जो भी जिधर ले चलोगे भगवन उधर मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जो भजन आप लोग गाते हैं ये क्या कह रहा है? जो कुछ भी आपको, क्योंकि पीछे जो जैसे भी कर्म हमसे हुए हो उन कर्मों का जो भी फल हमें मिल रहा हो तो उस फल को भी स्वीकार करना, जैसा भी है उसको न तो तिरस्कार करना, न उस फल से बचने का प्रयास करना, जैसा भी स्वीकार करना है, उसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। और इस तरह से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों का जब हम अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हमारा जीवन योगमय बनने लग जाता है। उस अवस्था में हमारा जीवन योग की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ने लग जाता है, हम में समाधि घटित होने लग जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है, वह ईश्वर हमारे चित्त को पवित्र बना देता है, क्योंकि
चित्त को पवित्र बनाने का कार्य वह ही करता है। न धाम पवते किंचन, वह ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जो इस धाम को, इस शुद्ध धाम को पूरी तरह से शुद्ध कर दे, उस शुद्ध धाम तक हमें पहुंचा दे, बस वही है। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा। ऐसा करके आप लोग भजन गाते हैं, वही है कि वह ईश्वर ही है जो हमें सुख देता है, वही वह धाम है, वही शुद्ध धाम है, वही सुख धाम है, वही आनंद धाम है, वही मोक्ष धाम है, और वह ही उस धाम तक हमें पहुंचाने में समर्थ है। मित्रों, हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जो तप है वह स्वाध्याय और ईश्वर परिधान के लिए होना चाहिए। तप जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे स्वाध्याय में गहरी रुचि, ऋषियों के ग्रंथों में और अधिक रुचि, और ईश्वर के प्रति प्रीति और अधिक होना चाहिए। अन्यथा मात्र कुछ कष्ट को सहन करना, विपरीत परिस्थितियों को झेलना, वह तप नहीं कहलाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बड़े डच चित्रकार हुए हैं, जग प्रसिद्ध हुए हैं, विंसेंट वैन गॉग। बड़ा अद्भुत चित्रकार था, लेकिन कई लोगों की दृष्टि में तपस्वी भी था, लेकिन योग की दृष्टि से देखते हैं तो तपस्वी नहीं, रागी था। वह वैरागी नहीं था, रागी था, लेकिन कुछ ऐसा जीवन जीता था कि लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उसकी एक प्रेमिका थी, बहुत राग रखता था अपनी प्रेमिका से, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसकी प्रेमिका का बाप उससे मिलने नहीं देता था। तो वैन गॉग पहुंच गया प्रेमिका के घर पे मिलने के लिए। तो उसका बाप कहता है कि नहीं, तू नहीं मिल सकता। वहां पर कोई आग जल रही थी, क्या लौ जल रहा था, एक दीपक का लौ था। तो वैन गॉग एकदम तुरंत संकल्प लेता है। याद रखिए, तप संकल्प का नाम ही तप है, और आध्यात्मिक जीवन प्रथम प्रारंभिक बिंदु संकल्प है, क्योंकि संकल्प के बिना कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। संकल्प उसी का नाम है जो सदा यही कहता है, करेंगे और मरेंगे, प्राप्त करके रहेंगे, इसका नाम संकल्प है। संकल्प कभी नहीं टूटता, भले ही शरीर टूट जाए, संकल्प का अंतर तभी होता है जब मंजिल मिल जाए, जब लक्ष्य मिल जाए, जब वह नूर जीवन में समाहित हो जाए, जब वह माधुर्य जीवन में आ जाए, जब वह रस अनवरत हमारे अंदर प्रवाहित होने लगे। तो ऐसे ही वैन गॉग भी तुरंत एकदम देखता है और संकल्प लेता है, बोलता है दीपक के लौ के ऊपर हाथ रख करके कि या तो मुझे उससे मिला दो, नहीं तो जब तक नहीं मिलाओगे तब तो मैं हाथ को यहां से हटाऊंगा ही नहीं। मित्रों, हाथ पूरा जल जाता है, लेकिन उसका बाप, उसकी प्रेमिका का बाप, उसकी प्रेमिका से मिलने नहीं देता। एक हाथ कट जाता है, वैन गॉग निकल जाता है। ऐसे एक दिन की और घटना है, उसके जीवन का एक और प्रसंग याद आ रहा है कि एक ऐसे ही कोई
चरित्रहीन नारी रही होंगी। वे उससे कहती है कि तुम कितने अच्छे हो और तुम्हारा जो कान है ना राइट चेयर कितना सुंदर है, ऐसा बोल देते हैं। और उसकी भी बड़ी आसक्ति हो चुकी थी उससे, तो वो कहता कि अच्छा घर चला जाता है। दूसरे दिन जो है वह एक लिफाफे में लेकर के आता है किसी चीज को, तो पूछते है क्या है, बोलता है तुम्हें कान बहुत अच्छा लगा था ना, वही कान लेकर के आया हूँ। उसने अपने पूरे कान को काट दिया था, बड़ा एकदम कठोर से कठोर कार्य करता था, कठोर से कठोर संकल्प लेता था। लेकिन उस संकल्प को आध्यात्मिक दृष्टि से संकल्प नहीं कहा जा सकता, उस संकल्प का कोई मायने नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। क्यों? जिस चीज के लिए वह संकल्प कर रहा था वो चीज मिल भी जाती तो होता क्या, कुछ नहीं। आज खुशी कल गम, कुछ नहीं। महर्षि व्यास तो यहां तक कहते कि सब कुछ हार्ड मांस आदि से जो निर्मित शरीर है तो सारी गंदगी है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। और उस गंदगी को पाने के लिए जो दिन रात प्रयास कर रहा है वो क्या है, मिल भी जाए क्या होगा, कुछ नहीं। तो जो वानगग है, एक दिन और खतरनाक उसके जीवन की घटना और भी है कि फ्रांस के सबसे ज्यादा जो गर्म भाग है आर्लिस कहते हैं, वहां पर पहुंच गया। इतनी गर्मी थी लेकिन वो खड़े होकर के चित्र बनाते रहता था, चित्र बनाते रहता था। लोगों ने कहा कि अरे भाई तू मर जाएगा, रहने दे, माना नहीं। मित्र 20 दिनों के बाद वह पागल हो गया और संभवतः बहुत कम आयु में मर भी गया। तो मेरा कहने का आशय यह है कि जो तप है उसका नाम केवल ऐसे संकल्प, सांसारिक संकल्प का धारण करना, इसका नाम तप नहीं है। आध्यात्मिक संकल्प का धारण करना, मोक्ष की प्राप्ति का संकल्प धारण करना, साक्षात्कार का संकल्प धारण करना, कभी भी स्वाध्याय को न छोड़ने का व्रत धारण करना, उसका नाम तप है। और जब एक बार संकल्प लिया उस संकल्प को बचाए रखने के लिए जितना कुछ भी दारुण कष्ट झेलना क्यों ना पड़े उसको झेलते रहने का नाम तप है। और स्वाध्याय, आप समझ गए कि स्वाध्याय का अर्थ निरंतर अर्थ चिंतन पूर्वक ओम का जप करना, ऐसे विविध मंत्रों का, मंत्र कहते हैं विचार के लिए, अच्छे अच्छे विचारों का प्रवाह निरंतर अपने मस्तिष्क में चलाए रखना, उनका स्मरण करते रहना, निरंतर ऋषियों के बनाए हुए शास्त्रों का अध्ययन करते रहना, उसका नाम स्वाध्याय है। और उसका नाम स्वाध्याय नहीं कि कई कोई व्यक्ति अखबार पढ़ता रहे, कई लोग होते हैं सुबह से लेकर के शाम तक अखबार ही पढ़ते रहेंगे, मानो अखबार में PhD करने लग रहे हो, वो ही पढ़ते रहेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं जी मेरे पास तो समय नहीं, एक ऐसा बोले। मैंने बोला क्या करते हो, बोले कि नहीं मेरे को 4 घंटे तो अखबार पढ़ने के लिए लग जाता है, वो स्वाध्याय थोड़ी है। कई लोग होते हैं ट्रेन यात्रा करते वक्त आप देखते होंगे या फ्लाइट में यात्रा करते वक्त भी देखते होंगे कि एक पुस्तक को पकड़ लेंगे, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते, क्या है वो ऐसे ही अश्लील उपन्यास आदि इत्यादि में लगे रहते हैं। तो उसका अध्ययन करना स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय का मतलब जिसका अध्ययन करने से ईश्वर से और प्रीति बढ़े, उसकी ओर जाने की राह में आने वाले विघ्न बाधाओं का सामना कर सके, हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य और कमजोर होने लग जाए, और कमजोर होने लग जाए, इच्छाएं कम होने लग जाए, बस एक इच्छा में, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा में, ईश्वर को जानने की इच्छा में, उसी में मन टिका रहे, उस तरह के साहित्य का अध्ययन करना, उसका नाम स्वाध्याय है। और ऐसे ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति अनुरक्ति, उसकी याद में निरंतर आंखों से आंसू बहता रहे, निरंतर उसमें ही हम होते रहे, चाहे कैसे भी स्थिति क्यों ना हो निरंतर बस उसका ही हम सुमिरन करते रहे, उसका नाम तप है, सॉरी ईश्वर प्रणिधान है। जैसे मीरा अपने सांवरे को समर्पण में निरंतर डूबी रहती थी, उसका नाम था
ईश्वर पे विधान, क्योंकि जब ईश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने के लिए जब तैयार होते हैं, उसका नाम तप है। तो ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना, उसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर के लिए ही अपने आंखों से आंसू बहाना, सामान्य जनों के लिए नहीं, वह है ईश्वर प्रणिधान। ऐसे ईसा ने अपने ईश्वर पिता के प्रति जो समर्पित भाव रखे थे वह था ईश्वर प्रणिधान। ऐसे ही एक शिष्य अपने गुरु के प्रति जो भाव रखते हैं उसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। क्योंकि गुरु के प्रति भाव रखते हुए फिर हम धीरे धीरे अपने उस परम गुरु परमात्मा के प्रति भाव रखने लग जाते हैं। संवेदनाएं जैसे जैसे बढ़ने लगेगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, तो हम पूरी तरह से ईश्वर में ही खोने लग जाते हैं। उसके प्रति हमारे आंखों से निरंतर आंसू बहने लग जाते हैं, उसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक माता किसी संत का प्रवचन सुन रही थी। संत ईश्वर के ऊपर ही प्रवचन दे रहे थे, बड़े अद्भुत लगते थे, लेकिन उनके दाढ़ी बाल सफेद हो चुके थे। दाढ़ी थोड़ी सी थी लेकिन एकदम सफेद हो चुकी थी, और वो बोलते गए, ईश्वर के ऊपर बोलते जा रहे थे। धीरे धीरे सुनने वाले लोग भी सरकते जा रहे थे। अंतिम में वो जैसे देखते आंखें खोल करके, तो एक माता वहां पर सुन रही है, लगी हुई सुनने में। बहुत आश्चर्य होता है उस व्यक्ति को तब जब वो देखते कि माता के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। उनको लगता है कि यह माता सच्ची भक्तिन है, अब इनसे मिलना चाहिए। लेकिन मेरे को यह जानना है कि इस माता को मेरी कौन सी बात दिल पे बैठ गई है, कौन सी बात ऐसी लगी जिससे उनके मन में ईश्वर के प्रति इतना अनुराग उत्पन्न हो गया। एक बार माता से पूछता हूं। वो एकदम इस तरह से नीचे उतरते हैं, माता के पास जाते हैं, नमस्ते करते हैं, माता के घुटनों का स्पर्श करते हैं। उतने माता और अधिक रोने लगती है। तो वे कहते हैं कि मां, आपको मेरी कौन सी बात इतनी अच्छी लगी, आप इतने रो रही हो, इतने अश्रुधारा प्रवाहित कर रही हो, कौन सी बात ने आपके दिल को छोई? तो कहती नहीं नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। तो फिर वे पूछते नहीं नहीं माँ, फिर बात क्या है? तो वे कहती है कि मेरे को 5 साल पहले मेरे घर पे एक बकरा था, उसकी भी ऐसी दाढ़ी थी आपकी तरह, और वह खो गया था। जब आज मैंने आपको देखी तो मुझे उस बकरे की याद आई, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पाई, इसलिए आंसू मेरे। आप नजदीक आए तो मुझे और ज्यादा याद आए, मुझे ऐसा लगा कि मैं उस बकरे को स्पर्श कर रही हूं। तो मित्रों, कोई भजन सुन रहा है, भजन गाते गाते रो रहा है, इसका मतलब कोई भक्त हो थोड़ी कुछ जरूरी नहीं है। हो सकता है वो और ही किसी चीज को याद करते करते रो रहा हो, है ना। तो ये बात मायने रखती कि हम ईश्वर से कितने प्रीति करते हैं। ईश्वर से प्रीति तभी उत्पन्न होती है जब हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानते हैं। जब तक उसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो तब तक उसके प्रति हमारे मन में भक्ति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती, हमारे मन में उसके लिए कोई विशेष श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती, उसके लिए हम भावुक नहीं हो पाते, उसके लिए हमारे आंखों से अश्रु धारा नहीं बहती। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या भजन गाते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं, ऐसे ही जोर जोर से गाएंगे, लोग बोलेंगे एकदम नाचते हुए पूरे गाएंगे और बोलेंगे चलो अब रो, कोई बात है क्या, ये भजन होते हैं क्या? तो इस तरह के भी लोग मिलते हैं। तो कोई व्यक्ति आंखों से आंसू बह रहा हो तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति ईश्वर का भक्त हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक मेरे को और प्रसंग याद आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है
किसी अमीर व्यक्ति का जनाजा निकल रहा था और एक व्यक्ति खूब रो रहा था जोर जोर से। पास में एक व्यक्ति पहुंच करके पूछता है कि भाई साहब, ये जिसका जनाजा निकल रहा है, आपके कोई रिश्तेदार है क्या? तो कहता है कि नहीं नहीं। तो फिर पूछता है, अरे रिश्तेदार नहीं है, फिर क्यों इतने रो रहे हो? तो कहता है, इसलिए तो रो रहा हूँ, रिश्तेदार होता तो सारी संपत्ति मुझे मिल जाती। तो मित्रों, लोग आंसू भी बहाते पता नहीं किस किस कारण से। लोग, कई लोग स्वाध्याय भी कर रहे होते, किस लिए? बोले कि प्रवचन देने के लिए काम में आ जाएगा, प्रवचन देंगे तो दक्षिणा मिलेगी। ऐसे किसी को जो है पढ़ाने लग जाएंगे तो गुरु बन जाएंगे, गुरु बनेंगे तो बस बहुत सारे चेलिया मिल जाएंगे, जो है सेवा करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। किस चक्कर में स्वाध्याय कर रहे होते हैं, लगे रहते कई लोग। और कई लोग जो होते हैं तप के बहाने स्वपीड़क और परपीड़क बन जाते हैं, मतलब अपने को खूब पीड़ा देंगे, खूब सताएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए कि लोग मेरे को बोले कि कितना महान है वो, कितना तपस्वी है। लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं। इस बात को कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम भी देता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण कहते हैं, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्योपि मतोधिक कर्मेभ्यस्ताधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। कहते हैं तपस्वी लोगों, यानी कि विविध प्रकार के स्थूल तपो में लगे हुए लोगों की अपेक्षा योगी, यहाँ पर इन्होंने योगी शब्द का जो प्रयोग किया है वो उन लोगों के लिए जो आत्म संयम रूप योग साधने वाले हैं, जो पवित्र हैं, वे श्रेष्ठ हैं। और वह योगी ज्ञानी पुरुषों, ज्ञानी का मतलब यहाँ पर शास्त्र ज्ञान संपन्नों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, तथा कर्मकांडियों या सकाम कर्मियों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कृष्ण अपने बाल सखा, अपने मित्र, अपने शिष्य अर्जुन को कहते हैं कि तस्माद योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन। और फिर आगे वो इसी बात को और क्लियरली बता देते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां सद्गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। हे अर्जुन, सब योगियों में भी, क्योंकि ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, कई तरह के योगी होते हैं, आप लोग समझ भी चुके हैं। तो ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, इन योगियों में भी मैं उसे ही सबसे उत्तम सिद्ध योगी समझता हूँ जो मुझे अंतःकरण में रखकर श्रद्धा पूर्वक मुझ पर ब्रह्म को भजता है, यानी कि जो निरंतर ईश्वर को ही भजता है और मुझ में समाहित अंतरात्मा से मेरा ही भजन करता है, यानी कि निरंतर जो ईश्वर प्रणिधान में रहता हो। और इसलिए अथर्ववेद के छठे कांड के 19वें सूक्त के 3रे मंत्र में भी कहा गया है, भक्तिवान सह श्याम, अर्थात हम भक्तिमान बने, हम निरंतर भजन करें। भजन, इस बात को ध्यान रखना, भजन का अर्थ ये शाब्दिक नहीं, चिल्लाना, जोर जोर से इधर करना उधर करना, खूब इंस्ट्रूमेंट बजाते रहना। कई लोग ऐसे आपको टेलीविजन में भी देखने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या बजाते रहेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, खूब उछल कूद करेंगे, उसका नाम भजन नहीं है। भजन शारीरिक कम, शाब्दिक कम और मानसिक ज्यादा होता है। निरंतर प्रभु का स्मरण करना, निरंतर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने जीवन को चलाना, उसका नाम भजन है। तो हमें निरंतर किसका अभ्यास करना है कि हमें योगी बनने का ही अभ्यास करना है, क्योंकि कृष्ण का भी ये आदेश है, ऋषियों का भी ये आदेश है कि हम योगी बने, हम बस योगी बने, क्योंकि योगी से उत्तम कोई नहीं है। एक बार पुनः, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्योपि मतोधिक कर्मेभ्यस्ताधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, अर्जुन मतलब हम सभी अर्जुन, हम सभी के लिए वह संदेश दे रहे हैं कि हम योगी बने। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो,
योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। बहे जानकी पावन गंगा, बहे जानकी पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। मन मधुवन हो दिव्य गुणों की, फैले मधुर सुवास। मन मधुवन हो दिव्य गुणों की, फैले मधुर सुवास। अमर त्याग की दिव्य शिखावन, अमर त्याग की दिव्य शिखावन। घर घर करो प्रकाश, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। हम सबको योगी बनना है, निरंतर योग पथ की ओर बढ़ना है, निरंतर साक्षात्कार की ओर बढ़ना है, साक्षात्कार को प्राप्त करके ही रहना है और उसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त होकर शरीर पात होने के बाद मोक्ष का वरण करना है। योग को कभी नहीं छोड़ना है। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। रोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी रे बनो रे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।